अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। मेरे साथ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से मौजूद हैं लुकमान तारिक। बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट इनकी माशाल्लाह। पूरा कैफ इन्होंने एक साल में क्वालिफाई किया। पहले 6 महीने में ग्रुप ए पास किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट अटैम्प में ग्रुप बी के 4 सब्जेक्ट उठाए और वो पास किया। और PRC पहले अटैम्प में था, तो आई मीन 3 अटैम्प्ट्स में PRC 2 कैफ 8 सारे के सारे सब्जेक्ट इन्होंने माशाल्लाह पहले अटैम्प में पास किया। यार देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनसे आज हम डिस्कस करें कि इनकी क्या अप्रोच थी, किस तरीके से ये अपने 4 सब्जेक्ट को मैनेज कर रहे थे। आई थिंक मार्च में आपने ग्रुप ए दिया होगा, मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आया होगा, 4 महीने बचे होंगे और उसने कहा होगा यार अब मैंने 4 पेपर देने हैं। सही है, और वो पास भी कर लिए माशाल्लाह। ग्रुप बी के सब्जेक्ट मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। लुकमान यार माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट, मैंने अपनी पूरी CA की जर्नी में कभी भी 4 पेपर एक साथ नहीं निकाले। हाँ 4 पेपर फेल ज़रूर हुआ लेकिन निकाले नहीं। सही है, तो यार मुझे ये बताएं मतलब क्या ऐसी अप्रोच थी, कुछ स्पेशल क्या था या एक डिसेंट अप्रोच थी उसको फॉलो किया था, कोई प्लान फॉलो किया था, मतलब क्या स्टूडेंट्स को एक एडवाइस आप देना चाहेंगे कि यार अगर वो इस तरीके से करें तो आई थिंक पेपर पास हो सकता है। मेरी कोई अप्रोच इस तरह नहीं थी कि अगर कोई भी सुनता है अभी 4 पेपर पास करें तो वो यही बोलता है कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करी होंगी, मगर मैं ये समझता हूँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। मैं सिर्फ क्लासेस लेता था, आया रिवीजन करा और थोड़ा सा अपना बैक के जो पुरानी बुक्स वगैरह यानी कि पुराने चैप्टर्स थे वो थोड़े रीड कर लिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठा। मगर जो अभी यानी कि मेरे जर्नी थी उसमें टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी इस चीज़ को मैं मॉनिटर ज़रूर करूँगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूँ। एक बच्चा ऐसा है जो पेपर से 1 महीना पहले 150 घंटे पढ़ता है, और एक और बच्चा है जो कि ओवर द 6 मंथ्स या ओवर द 4 मंथ्स 150 घंटे पढ़ रहा होता है, रोज़ के 1-2 आवर्स पढ़ रहा होता है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, मॉक अटैम्प कर रहा है, क्विजेस वगैरह होते थे, मॉक्स होते थे तो वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। यार ये जो कंसिस्टेंसी है ना, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर से 7 दिन पहले आप 24 घंटे पढ़ें और फिर आपके यार फेल हो गए और माँ बाप भी कहे कि बेचारा पूरी पूरी रात पढ़ रहा था, तो यार वो पढ़ना नहीं हुआ, वो तो आपने मेरे ख्याल से अपने साथ भी धोखा किया और पढ़ाई के साथ भी धोखा किया। जब एक चीज़ 6 महीने की है तो आई थिंक आपने पढ़ना भी ओवर द 6 मंथ्स होता है उसको, रादर दैन पेपर से 1-2 महीने पहले हम किताबें उठा रहे हैं और बैठ के लेक्चर्स को देख रहे हैं 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से। तो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना आप अच्छा प्लान करके चलेंगे उतना अच्छा। मुझे बताओ कुछ क्या दिन रात पढ़ते रहते हो या फिर फ्रेंड सर्कल भी है, स्पोर्ट्स वगैरह का शौक और कुछ है या फिर सिर्फ पढ़ाई? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह आए कॉलेज में और 4-5 बजे कॉलेज घर गए और पढ़ने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं कॉलेज में भी स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर टेबल टेनिस ये भी यहाँ पर भी क्लास के बाद बीच में भी जब ब्रेक मिलता था तब भी खेलता था, फिर यहाँ से जाना फिर खाना वगैरह खाकर फिर फ्रेंड्स के साथ बैठ जाना, मैं सीरीज भी देखता रहा हूँ बीच में। अच्छा जबरदस्त, बीच में भी देखता रहा, ईद की भी वैकेशन आई उसमें भी देखता रहा मैं, बीच में भी यानी कि कंटिन्यू रहती थी, रिफ्रेशमेंट होती थी क्योंकि माइंड फ्रेश होगा तो मेरे को लगता है स्टडी इफेक्टिव रहती। ये एक बड़ी जबरदस्त अप्रोच है। ओवरऑल यार इस 6 महीने में कभी ऐसा कोई सेटबैक आया कि तुम्हें लगा हो कि यार नहीं मेरा गलत डिसीजन था, मैंने 4 पेपर नहीं उठाने चाहिए थे, या मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक अनफोर्सीन इवेंट हो गया या फिर ये एक सरप्राइज आ गया मेरे लिए और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार शायद मैं 4 पेपर नहीं दे सकता या दे भी दूँ तो शायद पास नहीं कर सकता, इस पूरे 6 महीने साल 1.5 साल की जर्नी में ऐसे कोई सेटबैक्स वगैरह आए? सेटबैक अगर कोई 4 पेपर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो लेते हैं वो बीच में डामाडोल करते रहते हैं कि मैं 4 दूँ 3 दूँ, वो मुझे लगता है वो इसलिए होता है कि वो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं अपने इन्वायरमेंट से, वो जिसको बताते हैं यार मैं 4 पेपर दे रहा हूँ वो बोलते हैं नहीं भाई तुमसे होंगे ही नहीं, तो मैंने ये किया था जिसको मैं बताता था और मुझे लगता था ये मुझे ये बोलेगा 3 पेपर दे दे 2 दे तो मैं उसको छोड़ दे भाई तू जा, कभी उससे मिला भी नहीं मैं, तो मैं यानी कि सारे नेगेटिव थॉट्स वगैरह सबको मैं सर्किल मैंने क्लोज कर दिया था, मैं सिर्फ उन्हीं से मिलता था जो मुझे मोटिवेट करते थे, मैं टीचर्स वगैरह से डिस्कशन वगैरह करता था, टीचर के असिस्टेंट से डिस्कशन करता था, कभी यानी कि ऐसे बंदे को बताया नहीं जो मुझे डीमोटिवेट कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड सर्कल वो रखें आप जो नेगेटिव थॉट्स आपको ना आते हैं, सही है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। लुकमान ओवरऑल माशाल्लाह तुमने PRC 1 से लेकर कैफेट तक IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से सब्जेक्ट्स पढ़ा, ओवरऑल आई मीन कैसा रहा एक्सपीरियंस फ्रॉम PRC टू कैफेट, कैसा रहा तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो PRC से मैं यहाँ तक पढ़ना शुरू किया, PRC के बाद मेरे पास ऑप्शन था कहीं और जाने का, किसी और इंस्टीट्यूट में भी जा सकता था, सब बेहतरीन किस्म की मार्केटिंग स्टडीज लगा कर बैठे, मगर मैंने IQ को ही चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि जितने भी कैफ के टीचर हैं सब प्रैक्टिकल यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड ही प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, उसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ की अपने एक्सपीरियंस एग्जाम्पल्स देते थे जो बहुत ही मुझे लगता है प्लस पॉइंट था मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में कैफ निकालने। जबरदस्त जबरदस्त। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा कैफ का? फेवरेट सब्जेक्ट ऑडिट, टैक्स वगैरह, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 वगैरह, मेरा बहुत बेहतरीन, मुझे ऑडिट बहुत मज़ा आया पढ़ने का, इंटरेस्टिंग जिस तरीके से आपने कवर करवाया सिलेबस और प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस होती थी बहुत यानी कि
मज़ा आ गया। नहीं नहीं माशाल्लाह आई क्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट में एक एक्सपीरियंस रखते हैं, ना ही सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस बल्कि आई बिलीव बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी रखते हैं। लुकमान, एक आखिरी एडवाइस अगर स्टूडेंट को देनी हो क्या दोगे? मेरी एडवाइस यही है कि आपको लगता है आप जितने भी पेपर दे रहे हैं, चाहे 2 पेपर दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, अभी तो 4 हो सकते हैं, पॉसिबल हो गए, स्मार्ट क्लासेस आ गई और वैसे भी रिकॉर्डेड वगैरह का सीजन चल रहा है तो पॉसिबल हो सकता है। स्मार्ट क्लासेस देखी? जी सर, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। चले जबरदस्त। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर इन साइट्स को समराइज करें, अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, कंसिस्टेंसी के साथ रोज के अगर आप 1-2 आवर्स पढ़ेंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटीज आपके पास ज़्यादा होंगी, रादर देन पेपर से 1 महीने पहले अगर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट्स को ठीक कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा फिर एक डाउट क्रिएट करेगा आपके पास होने में। तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, 24 घंटे से पढ़ाई नहीं करनी है यार, 200 यारों में भी जाना है, गपशप भी लगानी है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी है, लाइफ को एंजॉय भी करना है और साथ साथ आपने पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करना है। तो थैंक यू सो मच लुकमान, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।